हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ले वाई के पॉइंट पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इस टॉपिक पर से। तो हम आज जानेंगे वर्तमान में राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल और उनकी सीटें और कब बने थे वो, आदि सब हम जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, तथा तो इससे अंत तक जरूर देखें और कमेंट करके बताएं यह वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। गुजरात, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी और इसके राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, और इसमें लोकसभा की सीटें हैं 26 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की इसमें 182 सीटें हैं। और इसमें हम अगर और बातें करें तो 33 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, और यह 1 मई 1960 को बना था। 1 मई 1960 को भारत का एक राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था। और इसके अगर हम एरिया की रैंक की बात करें तो इसके एरिया के हिसाब से यह 5वें नंबर इंडिया सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में 5वें स्थान पर आता है, 5वें नंबर पर आता है ये। चलिए हम अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। राज्य नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। और नागालैंड की हम अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो उसका नाम है यथुनगो पाटोन यथुनगो पाटोन, ये नागालैंड की उप मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल आर एन रवि, और लोकसभा की सीट वहाँ पर एक है, राज्यसभा की भी सीट वहाँ पर एक है और विधानसभा की वहाँ पर 60 सीटें हैं। और इसका अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो इंडिया में इसकी रैंकिंग एरिया के हिसाब से 27th 27वें नंबर पर है, 27वें नंबर पर है। और इसके अंदर 12 जिले आते हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके अंदर नागालैंड के अंदर। और इसका फॉर्मेशन, इसका गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था, इसका गठन 1 दिसंबर 1963 का हुआ था। और एरिया के हिसाब से ये 27th नंबर पर, ये हमने बता दिया आपको। हम अगले राज्य पर चलते हैं। राज्य उत्तराखंड जिसकी राजधानी देहरादून है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। और उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं उत्तराखंड में। और यह एरिया के हिसाब से 19वें 1900 स्थान पर आता है इंडिया में, 19वें स्थान पर आता है। और यह 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था, 9 नवंबर 2000 को इसका भारत के राज्य के रूप में गठन हुआ था। और इसके अंदर 13 जिले आते हैं उत्तराखंड के, में 13 जिले हैं और ये एरिया के हिसाब से 19वें स्थान पर आता है, ये हमने बता दिया था। चलिए
अगले राज्य की तरफ चलते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और इसमें मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं, और इसका गठन भारत के एक राज्य के रूप में 1 नवंबर 2000 को हुआ था। 1 नवंबर 2000 को इंडिया के एक राज्य के रूप में आया था, और इसमें 28 जिले हैं, 28 डिस्ट्रिक्ट हैं छत्तीसगढ़ में। और एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू एरिया 19th पोजीशन पर आता है छत्तीसगढ़ इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और इसके मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी। के पलानी स्वामी इसके मुख्यमंत्री हैं, और इसके अगर हम उप मुख्यमंत्री की बात करें तो ओ पनीर सेल्वम, ओ पनीर सेल्वम इसके उप मुख्यमंत्री होंगे, और इसके राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं, 18 राज्यसभा की सीटें हैं और 234 विधानसभा की सीटें हैं। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को भारत के एक राज्य के रूप में गठन हुआ था तमिलनाडु का। और एरिया के हिसाब से 11th स्थान पर आता है, 11th नंबर पर एरिया के हिसाब से आता है इंडिया में, भारत में। और इसके अंदर 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, तमिलनाडु में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी इसके बारे में। अब अगला राज्य है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, इसके मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा की केरल में 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और विधानसभा की 140 सीटें हैं। इसका गठन 1 नवंबर, केरल का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था, 1 नवंबर 1956 में भारत के एक राज्य के रूप में आया था। इसके अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, केरल में 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, और एरिया के हिसाब से ये 23वें स्थान पर आता है इंडिया में, 23वें स्थान पर आता है केरल एरिया के हिसाब से। ठीक है, अभी नेक्स्ट राज्य पर चलते हैं, राज्य मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल, मुख्यमंत्री एन के बीरेन सिंह है और राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर के अंदर 2 लोकसभा की सीटें हैं, 1 राज्यसभा की सीटें हैं और 60 विधानसभा की सीटें हैं, और इसका गठन 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ था मणिपुर का। और मणिपुर में 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, और एरिया के हिसाब से 25th नंबर पर आता है इंडिया में। नेक्स्ट राज्य की तरफ चलते हैं, अगला राज्य हरियाणा, जिसकी राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, जो कि जेजेपी पार्टी जनता जननायक पार्टी से हैं। इसके राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा के राज्यपाल, और लोकसभा की हरियाणा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। और इसमें हरियाणा में 22 जिले हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। और एरिया के हिसाब से 21वें नंबर पर आता है एरिया इंडिया में स्थान। और इसका गठन 1 नवंबर, हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर स्क्वेयर है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर कोई आपको महत्वपूर्ण सूचना देनी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद आपका।